मुंबई के एक फेमस होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अज्ञात शख्स ने फोन करके कहा कि होटल में चार जगहों पर बम रखे हुए हैं। फिर उसे डिफ्यूज करने के बाद 5 करोड़ रुपए की डिमांड की। मामला साहर इलाके का है। जानकारी के मुताबिक ये धमकी भरी कॉल मुंबई के 5-स्टार होटल द ललित को आई थी। सूचना मिलते ही पुलिस होटल पहुंची, सारे होटल की तलाशी ली गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ रंगदारी और धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस फिलहाल पता लगा रही है कि जिस नंबर से फोन आया है वह किसका है। हाल ही में मुंबई की ट्रैफिक पुलिस को 26/11 जैसे हमले की धमकी मिली थी। धमकी देने वाले ने ट्रैफिक कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजा, जिसमें बताया है कि मुंबई में 26/11 जैसा हमला किए जाने की आशंका है। मैसेज करने वाले ने बताया कि उसकी लोकेशन ट्रेस करोगे तो वो भारत के बाहर की दिखाएगी और धमाका मुंबई में होगा। इसमें बताया गया है कि भारत में 6 लोग इस घटना को अंजाम देंगे। मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, साथ ही दूसरी एजेंसियों को भी इसकी जानकारी दी गई है। ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल के नंबर पर आए व्हाट्सएप मैसेज में लिखा है, जी मुबारक हो, मुंबई में हमला होने वाला है। ये हमला 26/11 की नई ताजी याद दिलाएगा। इसमें 7 मोबाइल नंबर भी शेयर किए गए हैं। इसके आगे लिखा है कि मुंबई को उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। मैसेज में लिखा है कि यूपी एटीएस मुंबई को उड़वाना चाहती है। इसमें कुछ इंडियन मेरे साथ हैं। मैसेज में इनमें से कुछ नाम भी शेयर किए गए हैं। मैसेज में लिखा है कि मेरा एड्रेस यहाँ का शो करेगा, लेकिन मुंबई में धमाका होगा। हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता। लोकेशन आपको आउट ऑफ कंट्री ट्रेस होगी। इसके साथ इसमें उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर का भी जिक्र किया गया है, जिसमें सर तन से जुदा वाली बात कही गई। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला और अमेरिका के हमले का भी जिक्र किया गया है।